हे गाइस, तो अब हम जा रहे हैं हमारी पुरानी टीवी देखकर न्यू टीवी लेकर आने के लिए। तो चलिए, मैंने अपने न्यू क्रॉक्स पहन लिया और चलिए चलते हैं अब हम टीवी देने के लिए। तो मैं पीछे बैठा था, भाई गाड़ी चला रहे थे, तो मैं अपने बाल ठीक करते हुए जा रहा था, तो वहाँ जाकर हमने अपनी टीवी बेच दी और न्यू टीवी लेने के लिए चले गए। वहाँ शॉप पर जाने के बाद मैंने अपने क्रॉक्स फटाक से निकाले और जल्दी जल्दी अंदर चला गया। वहां जाकर मैंने बहुत सारी टीवी देखकर मैं तो कंफ्यूज हो गया, इनमें से कौन सी टीवी लूँ। तो वहां के एम्प्लॉय ने हमें सारी टीवी शुरू करके दिखाई, उनकी इंफॉर्मेशन बताई। वहां देखकर मैंने एक टीवी को मुझे एक टीवी अच्छी लगी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये टीवी शुरू करके दिखाइए। तो उन्होंने हमें वो टीवी शुरू कर दिखाई। उसके बाद हमने उसका अच्छी क्वालिटी देखकर उसे फाइनल कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो टीवी फाइनल करने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो मेरे चेहरे पर बहुत स्माइल आ रही। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो अभी मैं सुबह उठकर फ्रेश हो चुका हूँ, नहा भी कर तैयार हो चुका हूँ। तो अभी देखा तो लाइट चली गई। आज दिक्कत होने वाली चार्जिंग की फिक्स। आज चार्जिंग में नहीं है, मेरे फोन में 33% चार्जिंग है सिर्फ। तो आज एडिटिंग का काम थोड़ा रुक जाएगा, तो आज ब्लॉग थोड़ा लेट शूट होगा और चार्जिंग भी नहीं है तो शूट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं और लाइट कैसे आती है, फटाक से चार्जिंग लगाते हैं, उसके बाद अगला ब्लॉग शूट करते हैं। तो अभी अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी अभी भाई बता रहे थे कि हमारी जो टीवी है उसे रिपेयरिंग कर लाना है, तो रिपेयरिंग कर लाते हैं। और अभी भी और भी काम है थोड़ा, कल मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सामान लाइक कराना है, तो भी लेकर आते हैं। लाइक नहीं तो आज कुछ काम नहीं होगा, मुझसे तो कुछ काम नहीं होगा, लैपटॉप नहीं शुरू होगा, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई भी तो आज थोड़ी पढ़ाई करते, देखते हैं और क्या क्या काम तो करना पड़ेगा। चुप बैठ कर नहीं चलेगा आज, लाइट जल्द से जल आनी चाहिए यार। लाइट आएगी तो मोबाइल पे चार्जिंग लगा के मस्त गेम खेलूंगा और बाद में पढ़ाई करूंगा थोड़ी। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा ये बताया नहीं आपने, किसी ने कमेंट नहीं किया। मेरे ब्लॉग को ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे ब्लॉग करने में कुछ खराबी होगी शायद, इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे। आपने भी किसी को शेयर नहीं किया, मेरे ही ब्लॉग में कुछ खराबी होगी इसलिए आपने भी कुछ शेयर नहीं किया। देखते हैं मैं मेरे ब्लॉग करने की और थोड़ा ब्लॉग अच्छे से करने की और थोड़ा तैयारी करूँगा, और मेरे ब्लॉग को आप भी शेयर करेंगे ये भी मुझे आशा करता हूँ। आप भी साथ दीजिए, इससे बेहतर मैं और बेहतर कर पाऊँगा। और आप भी मुझे कुछ आपको अच्छा लगता हो तो वो भी मुझे बताइए, जिससे कि मैं अपने ब्लॉग में वो करूँगा, जिससे और मेरे ब्लॉग बेहतर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और ज़्यादा हमारी फैमिली बढ़ जाएगी, यूट्यूब फैमिली। तो चलिए टीवी रिपेयरिंग कर लेकर आते हैं, अभी भाई ने आवाज़ दी तो चलते हैं। गाइस, तो अब हम जा रहे हैं हमारी टीवी रिपेयरिंग करने के लिए। तो चलिए आपने अभी टीवी निकालते हैं घर में से और चलिए टीवी रिपेयरिंग करने के लिए चलते हैं। तो चलिए हे गाइस, तो अब हम जा रहे हैं हमारी पुरानी टीवी देखकर न्यू टीवी लेकर आने के लिए। तो चलिए, मैंने अपने न्यू क्रॉक्स पहन लिया और चलिए चलते हैं अब हम टीवी देने के लिए। तो मैं पीछे बैठा था, भाई गाड़ी चला रहे थे, तो मैं अपने बाल ठीक करते हुए जा रहा था। तो वहाँ जाकर हमने अपनी टीवी बेच दी और न्यू टीवी लेने के लिए चले गए। वहाँ शॉप पर जाने के बाद मैंने अपने क्रॉक्स फटाक से निकाले और जल्दी जल्दी अंदर चला गया। वहां जाकर मैंने बहुत सारी टीवी देखकर मैं तो कंफ्यूज हो गया, इनमें से कौन सी टीवी लूँ। तो वहां के एम्प्लॉय ने हमें सारी टीवी शुरू करके दिखाई, उनकी इंफॉर्मेशन बताई। वहां देखकर मैंने एक टीवी को मुझे एक टीवी अच्छी लगी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये टीवी शुरू करके दिखाइए। तो उन्होंने हमें वो टीवी शुरू कर दिखाई। उसके बाद हमने उसका अच्छी क्वालिटी देखकर उसे फाइनल कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो टीवी फाइनल करने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो मेरे चेहरे पर बहुत स्माइल आ रही। गाइस, तो अभी भी आया हूँ टीवी रिपेयरिंग के लिए देख रहा, और वहाँ से आगे हमें नई एलसीडी लेनी है, तो हम वो भी देख रहे हैं। तो उसका भी आज कितने को है, कितने रुपए में पड़ेगी, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो अभी पापा आएंगे तो पापा से पूछ कर सब सेटल करते हैं और देखते हैं भाई क्या करते हैं, तो या नई लेकर आते हैं, जो
जो पुरानी टीवी है उसे रिपेयर करके ले जाते हैं, शाम को पापा आने के बाद पूछ कर सब कुछ कर लेते हैं। तो अभी आ चुका हूँ घर में, अभी थोड़ा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप मेरे को कहीं बाहर लेकर जाना है। अगर भाई जाते हैं तो मैं फ्री हूँ, वरना पढ़ाई करते बैठूँगा, वरना भाई भी भाई चले जाएंगे आप मेरे को लेकर। तो अभी मैं तो फ्री हूँ, अभी पढ़ाई करता हूँ और बाद में थोड़ा व्लॉग शूट करेंगे और थोड़ी नमाज का और नमाज को भी जाकर आते हैं, तो क्या क्या होता है देखते हैं। और कुछ करने का तो भी करते हैं, और कल मेहमान आने वाले, तो थोड़ा घर की साफ सफाई भी कर लेता हूँ, गंदा जहाँ पर धूल बैठी वो भी निकाल कर पोछ लेता हूँ सब कुछ। मेरे रूम की तो साफ सफाई करनी पड़ेगी मुझे, देखते कहाँ पर गंदा है वो भी कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद थोड़ी सफाई करके थोड़ा घूम कर आते हैं। टाइम मिलेगा तो घूमना पड़ेगा, नहीं वरना आज तो संडे, आज ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, काम ही बहुत होता है। तो अभी काम करते हैं, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा साफ सफाई करते हैं। गाइस मैं पढ़ाई के लिए मेरे कॉलेज बैग ढूंढ रहा था लेकिन वो नहीं मिल रही, तो अभी उसे फिर से उसे ढूंढता हूँ आपके साथ। देखिए मेरे कॉलेज की बैग कहीं पर भी नहीं मिल रही, तो कॉलेज की बैग ढूंढने में मदद तो चाहिए, मिल नहीं रही है। ओ भाई कॉलेज की बैग ढूंढ रहा था तो मुझे देखिए क्या मिला, बहुत प्यारा बच्चा है, देखिए कैसे बैठता है मेरे कंधे पर। ऐसे दिन भर थोड़ा, दिन में 2 घंटे तो मेरे कंधे पर ही रहता होगा। यहाँ पर बैठ के सोता है वो, वहीं पर भी सो जाता है वो। हे गाइस मैं तो पढ़ाई करने के लिए बैठ रहा था लेकिन मेरी कॉलेज बैग नहीं मिली, इसलिए मैंने आज पढ़ाई नहीं की। तो आज मैंने अभी एडिटिंग की है थोड़ी, और थोड़ी रात में करूंगा, अभी थोड़ी एडिटिंग हो चुकी है। तो अभी थोड़ा घर की साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई तो आज कुछ नहीं हुई, आज संडे तो कल मेहमान आने वाले, तो आज साफ सफाई कर लेते हैं। साफ सफाई करने के बाद थोड़ा बाहर काम है, वो भी आते हैं, संकेत भाई को कॉल करते हैं, शायद वो आएंगे तो उनके साथ चला जाऊंगा। संकेत भाई आने के बाद उनके साथ चले जाकर काम थोड़ा कर कर आते हैं। तो अभी थोड़ा घर की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद जो हमें काम बताती है वो भी कर कर आते हैं। आज थोड़ा काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि छोटा बच्चा हूँ ना मैं, घर का सबसे छोटा लड़का हूँ, चलिए मुझे काम करना पड़ेगा। साफ सफाई तो पूरी हो गई है, तो चलिए अभी मगरिब की अजान हो चुकी है, तो चलिए नमाज के लिए नमाज पढ़ कर आते हैं। नमाज पढ़ कर आने के बाद देखते हैं भाई ने कुछ कहा था काम वो भी करते हैं, और पढ़ाई भी फिर से करनी पड़ेगी। कॉलेज के बैग ढूंढते कहाँ पर रखी है मैंने, कहा सुबह से ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रही, तो आज तो पक्का ढूंढना पड़ेगा, कल तो कॉलेज जाना है। तो चलिए अभी अजान हो चुकी, टोपी लेते हैं नमाज के लिए निकलते, टोपी तो मिल गई, तो चलिए अब नमाज के लिए लाइट बंद करते हो, नमाज के लिए निकलते। गाइस अभी भी पापा आए हैं, तो आज जो हमने टीवी देख कर आए हैं वो पापा को बताते हैं, अगर पापा को भी अच्छे लगे तो फिक्स लेकर ही आएंगे। बुकिंग तो कर दी है, तो और देखते हैं पापा क्या कहते हैं, तो बोलते हैं क्या होता है देखते हैं टीवी का। और सफाई वफाई सब कुछ हो गई ना, मगरिब की नमाज पढ़कर मैं आ चुका हूँ। तो आने के बाद थोड़ा मेरी कॉलेज की बैग भी मिल गई आज, मैंने ढूंढ ली, वरना मेरे कल कॉलेज जाना मुश्किल हो जाता, तो कॉलेज की बैग भी ढूंढ ली। अभी उसमें से थोड़ी किताबें निकलते और पढ़ाई करते, उसके बाद एडिटिंग करना पड़ेगा। एडिटिंग करना तो आज का ब्लॉग कल डालना पड़ेगा, और बाकी के जो काम है स्कूल के वो भी करता हूँ कॉलेज के। और सुबह ग्राउंड पे जाना है, इसलिए अलार्म लगा के मैं अभी एडिटिंग करता हूँ, खाना खाता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ कर ग्राउंड पे भी जाना है। गाइस आप मेरा वीडियो ब्लॉग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आपके दोस्तों को मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए आप भी कोशिश कीजिए, जिससे मेरे ब्लॉग और अच्छे होंगे, मुझे भी और मोटिव मिलेगा कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी मेरा सब अब मेरे लिए सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखा सकूँ। तो इसी तरह मेरे हर ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को
ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इसी मेरे से जुड़े रहिए।